अबे तू बता। विद्वान और मेरे विद्वान और काबिल दोस्त अमिताभ जी सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे वकील हैं, कोई संदेह नहीं। तो क्या योगी सरकार ने दस्तावेजी प्रमाण झूठे सौंपे मोदी सरकार को दिसंबर 2020 में? क्या उन्होंने झूठ चिट्ठी लिख दी बगैर प्रमाण के कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए? क्या तेजस्वी सूर्या जो कर्नाटक के सांसद हैं वो अप्रामाणिक बातें आपसे कर रहे हैं? मैं तो हतप्रभ हूं जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? 14 जुलाई को फिर 2017 बिल्कुल से नहीं, जो रिपोर्ट आप कर रहे ऐसी हैं बात आज मत तक, करिए, तो आज ऐसी तक बात कह रहा है है जी, बिल्कुल मत करिए। राज्य तो सरकारों करोड़ों की के हवाले से कि ये तब आज जिम्मेदारी तक है मैं कि झूठ उनके जो भी तथ्य मिले, सुनिए अक्टूबर दो अभय हजार जी, तेईस को आप एक समझदार चिट्ठी व्यक्ति क्या हैं, है आप झूठ ये बोल रहा अनर्गल है? प्रलाप बंद जी करिए। मैं मैं आपको तो बताइए कानूनी बात किसकी बात कहना कर चाहता रहा हूं, हूँ। एक सेकंड, हमारे कानूनी प्रधानमंत्री बात जी कहना की अगर चाहता हूं। कान दो देखिए, महीने से राज्य खतरे सरकारों में के है पास तो जो ऐसे भी संगठन दस्तावेज मिले, पर उसी अमिताभ दिन जी, केंद्र प्रतिबंध सरकार, लगाया अमिताभ जाना जी, चाहिए। आपका टर्न फिर था, आप अभी अभी मैं उन्हें आपके पास निशान लौटूंगा, बनाइए क्योंकि कि सारे के उसके सारे खिलाफ सवाल हैं वो लंबी आप ही बात की कर रहे तरफ हो आ आप रहे हैं घूम अभय फिर जी। कर। तो आप थोड़ा सा सर इंतजार कीजिएगा, अभय दुबे जी और बाकी गेस्ट के एक बार बात आ जाए, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा, आप सबके जवाब दीजिएगा। अभय जी जल्दी से अपनी बात रखें। देखिए मैं राजीव जी यही कह रहा हूं कि क्या फिर अप्रामाणिक तथ्य दिए गए? ये देश का दुर्भाग्य, अगर मेरे प्रधानमंत्री की दो महीने पहले आज तक ने रिपोर्ट दिखाई, क्या कर रही है एजेंसियां, किस बात की प्रतीक्षा कर रही है? किस कि आप क्या बता रहा हूं, तुरंत प्रतिबंध बताऊंगा लगाया जाना बताऊंगा चाहिए? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बैठे हैं, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट के तहत कार्रवाई करिए, और जितने लोग सम्मिलित हैं, मैं आज फिर चुनौती देता हूं, एसडीपीआई की राजनीति को पोषित कर रहे हैं आप लोग। वो कर्नाटका का चुनाव जब तक नहीं होगा तब तक एक्शन नहीं लेंगे, ये आपका राजनीतिक षड्यंत्र देश के साथ है, ये मेरा गंभीर आरोप है। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, अगर प्रधानमंत्री जी पर इतने गंभीर अपराध घटित बहुत करने दुखद की मंशा रखने आपका वालों पर व्यवहार जो है, प्रतिबंध नहीं दुखद है अभय लगाएंगे तो जी। किस पर प्रतिबंध लगाएंगे? ठीक, अमिताभ जी आप अभी जवाब दीजिएगा, लेकिन डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर बहुत तस्लीम दुखद। रहमानी, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर जब इस तरह के संगठन एक धर्म की बात करते हैं तो फिर उस धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे प्रतिनिधि आगे आ जाते हैं, और चाहे कुछ गलत भी कर रहे हो या इन पर आरोप इल्जाम लग रहे हो तो उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अब जब सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं तो ढाल बनकर वो खड़े हो जाते हैं, जब कुछ गलत हो जाता है तो आ जाते हैं उनके पक्ष में बोलने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि यह भी बंद होना चाहिए? देखिए राजीव जी, एक शेर है कि और भी देखी थी बरसातें, ये बरसात सियासी है, ऊपर जल थल एक हुआ है, नीचे धरती प्यासी है। हमने पहले भी बैन होती हुई देखी हैं संस्थाएं। ये जो परसों क्रैकडाउन हुआ और इतनी बड़ी तादाद में लोग अरेस्ट हुए, आमतौर पर ये प्रक्रिया होती है बैन हो जाने के बाद, ये बैन होने से पहले हो रही है, इसका मतलब बैन होने में अभी बहुत समय बाकी है, ये साफ संकेत इसका मिलता है। एक बात, दूसरी बात ये, इस देश में आप देखिए, दो महीने पहले के आप वजीर आजम के ऊपर हमले की बात कर रहे हैं, 2020 में भी हुआ था, वो उस वक्त भी पीएफआई का नाम हुआ था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी देखिए, दो महीने से आप कर्नाटक जो बीजेपी रूल स्टेट है वहां पर हर हफ्ते 50,000 से 1,00,000 के बीच का मजमा एसडीपीआई का इकट्ठा होता है। बीजेपी की सरकार है, अगले चंद महीने में चुनाव होने वाला है, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में एक छोटी सी मीटिंग करने की इजाजत पीएफआई एसडीपीआई को नहीं है, लेकिन कर्नाटक में है। अभी 3,00,000 का मजमा इकट्ठा हुआ 17 सितंबर को केरल में कोझीकोड में, किसी ने नहीं रोका। तो ये बयान कर रहा है। और इसे एक बात और मैं कहता चलूं, इस देश में अभी 50 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, अमिताभ सिन्हा जी को शायद मेरी ये बात अच्छी लगे, 50 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बैंड हैं। 1948 से बैन लगना शुरू हो गया था, पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन थी बताने की जरूरत नहीं है, तब से लेके सैकड़ों बैन हुई और 50 से ज्यादा अभी बैन है। मुझे खुशी है और मुझे फख्र है कि उसमें से सिर्फ एक सीमी के अलावा कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन हैं कश्मीर की हैं, पंजाब की हैं, नॉर्थ ईस्ट की हैं, या लेफ्ट की कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशन। वी मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, वी रिजेक्टेड टू थिंग्स आउटराइटली, नंबर वन रेडिकलाइजेशन एंड नंबर टू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, दोनों को रिजेक्ट किया है। पीएफआई को अगर ताकत मिली है पिछले 5 साल में मिली है, जब से मीडिया के तमाम लोगों ने उसका प्रमोशन शुरू किया है, 30 साल 32 साल की ऑर्गेनाइजेशन से उतनी ताकत नहीं मिली थी। पिछले 5 साल में जब हम हर दूसरे दिन पीएफआई का यहां जिक्र करते हैं और एसडीपीआई का जिक्र करते हैं, तब हम इनडायरेक्टली उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, और जब मीडिया किसी का बहुत ज्यादा जिक्र करता है तो किसके इशारे पर करता है सब जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी का, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों,
जो नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है पॉलिटिक्स से ऊपर होना चाहिए, तब हम मानते हैं कि हम सीरियसली उसे टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा अहम इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। 10 प्रधानमंत्री आए हैं और 10 और आएंगे, प्रधानमंत्री और सरकारें आती जाती रहेंगी, देश रहेगा, देश को बाकी रहना है। इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है, अगर उस पर कोई पॉलिटिक्स की जाती है तो मैं समझता हूं कि हम देश के साथ। अच्छी बात, कम से कम आपने कही कि इंटरनल पॉलिटिक्स पर हम संजीदा, जो इंटरनल सिक्योरिटी पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। विनय सिंह, चूंकि आप इस वक्त गाड़ी में, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही, मैं आपके पास लौटता हूँ। अमिताभ जी, सारे सवाल आप ही की तरफ आ रहे हैं कि आप कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होगी कब उसी का तो इंतजार है। पिछले कई सालों से मांग हो रही है कि गिरफ्तार, आप कार्रवाई करो, बैन करो, पीएफआई को बैन करो, लेकिन अब तक बैन पीएफआई नहीं हुआ। अब तो टारगेट पर इसके प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, तो इसके अलावा तो अब कोई और एविडेंस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अब तो ये बैन हो जाना चाहिए, और कितना इंतजार करें? राजीव जी, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखने की है कि बैन कौन इन्हें हफ करवाना चाहता है, हड़बड़ी में करवाना चाहता है, ताकि पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों को अंत में लाभ मिले। मैं विनम्रता से अभय दुबे जी से पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने तो बहुत सालें सरकार चलाई है, कई साल उन्होंने सरकार में, केंद्र में, राज्यों में सरकार चलाई है, क्या इनको देश देख रहा है? 5 साल से आप मीडिया का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बैन करेंगे। मैं बैन करेंगे ना करेंगे? इंटरप्शन अलाउड है राजीव जी? तस्लीम रहमानी साहब, राजीव जी आप इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं, आप आपकी बारी आई थी, आप अपनी बात रख दी है, थोड़ा सा इंतजार करें। मैंने यही सवाल पूछ लिया सर उनसे, तस्लीम अलाउड है, पूछ लिया, यही इनको शिष्टाचार सिखाइए, रहमानी जी को शिष्टाचार का ही पता नहीं है। अमिताभ जी अपनी बात रखें, सवाल कितने सालों से सुन रहे सर, और कितना इंतजार करें? हमको शिष्टाचार का मालूम है, लेकिन आपके पास आपको जवाब अपना मालूम नहीं है। एक मिनट देखिए, अभय दुबे जी ने एक पॉइंट जवाब मालूम नहीं है। अरे यार, शिष्टाचार तो रखिए, थोड़ा थोड़ा सा मूल शिष्टाचार सीख लीजिए ना रहमानी जी, हर जगह आप बवाल काटते हैं। एक मिनट रुकिए, देखिए ये जो अभय दुबे जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजी ये रिपोर्ट, और क्या भेजी, इन्हीं रिपोर्टों के आधार पे ही जो अनेक्चर 4 अमेंडमेंट हुआ है यूएपीए का, वो यही हुआ है ताकि इसको बैन करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। अभी हमारे माननीय विक्रम सिंह जी ने जो आपके सामने समक्ष रखा ये बात कि 4 साल लगे सिमी के लिए, उसके अलावा ये इससे उस कमी से सिमी के उस फुहड़ता से ये पीएफआई और एसडीपीआई ने शायद ज़्यादा महारत हासिल कर रही होगी, शायद उन्होंने बहुत ही महीनी से काम किया होगा, तो उसके लिए पहले तो एक सबसे पहली चीज़ की है कि इसमें इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन, जरूर दीजिए लीजिएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसमें हो सकता है कि ये तैयारी के लिए ये रेड हो रही हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं, और जब चूंकि ये अनेक्चर 4 में अमेंडमेंट के बाद अब इनको भी टेररिस्ट के नाते और टेररिस्ट एक्टिविटी के नाते इनको यदि ट्रायल किया जाएगा तो शायद और ज़्यादा एविडेंसेज आए ताकि पुख्ता तरीके से बैन किया जाए। देखिए, बैन करना एक अलग प्रक्रिया है, और बैन करने से कोई आतंकवाद बंद होता है? आतंकवाद तो जड़ों में है, दिमाग में घुसाया गया है आतंकवाद, और वो भी धार्मिक आधार पे। ये रहमानी जी से ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है? और रहमानी जी जो अभी इतना सुंदर तकरीर दे रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, क्या उसमें जरा सा सोचें, क्या इन्होंने एसडीपीआई का कभी कोई ऐसा किया है जिसमें लानत मलानत की हो, कभी उसकी निंदा की हो? क्या उसने पीएफआई को पब्लिकली कहा है कि नहीं ये इस्लाम के विरुद्ध है? कभी ये लोग ऐसी बात नहीं करते, और खास करके अलतकिया करते हैं, कई बार ये लोग धोखा देने के लिए कुछ भी कह देंगे लेकिन ऊपर से फिर आतंकवाद की प्रक्रिया के ऊपर में चुप्पी साधेंगे। मेरा ये मानना है कि इस तरह के भाषणबाजी अब देश को ना दें रहमानी जी। आप सिर्फ इतना कहिए कि आपका इस्लाम और बाकी के विषयों में जो आतंक और जिहाद का मामला है उस पर आपका क्या कहना है? क्या आप पीएफआई जो कि आतंकवादी घटना कर रही है, जो कि एक जिसको एक कहते हैं ना कि पूरे इसमें दुनिया में इस्लाम का शासन लगाना, उसके बारे में जो इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं वो कह रहे हैं, उस पर रहमानी जी आपकी क्या प्रतिक्रिया, ये भी आप कहिए ना।
ये तो आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि ये डॉक्टर तस्लीम रहमान जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर अभय दुबे जी और बीएम कामले जी उनके पास भी जाऊंगा। अंत में राजीव जी, अंत में जी देखिए, 2018 में झारखंड में बीजेपी की सरकार ने पीएफआई के ऊपर बैन लगाया था, इतना लचर जितने भी कट्टरवादी हैं इस्लामिक 6 महीने में स्टैंड नहीं कर सका। अरे अमिताभ जी आप सुन लीजिए, अब आप शिष्टाचार दिखाइए, सुनिए। नहीं नहीं वो अपनी बात रखी रहते नहीं, अब डॉक्टर तस्लीम रहमानी उनका ये कहना है कि जो कट्टरपंथी ताकत है आप उनके खिलाफ कब मुखर अंदाज में बोलते हैं? आप एसडीपीआई या पीएफआई के खिलाफ खुलकर तो कुछ बोल नहीं रहे, आप तकरीर दे रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। उस बाबा साहब अम्बेडकर के जाति का हूँ, मुझे मत समझाइए। आप सच्चाइयां की बातें, आप सच्चाइयां हजम भी नहीं कर सकते, सुनिए ना। अरे आप सुनिए, आप कर सकते, मैं चुपचाप बैठा हूँ। 2018 में आपने झारखंड में बैन किया था, 6 महीने स्टैंड नहीं कर सके, और दोबारा बैन किया वही गजट नोटिफिकेशन लाके, उससे नियत का पता चलता है कि आपकी नियत नहीं है बैन करने की। जहां तक आप इस्लामी राष्ट्र, अरे बैन बैन पे क्यों पीछे पड़े हो आप? बैन कोई कराना चाहते हैं ना? इस्लामी राष्ट्र हो जाएगा, इस्लामी राष्ट्र बैन हो जाएगा, हिंद अमरा करिए। यदि आप आतंकवादी साहब भी पकड़े जाएंगे, अभी आपके पास मैं लौट रहा हूं बीएम कामले साहब, अभी हम नहीं अभी तस्लीम रहमानी साहब अपनी बात कर रहे, उसके बाद बीएम कामले साहब आपके पास आऊंगा, अभय दुबे जी भी हमारे साथ हैं। ये देश एक, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, आप भी कहिए ये बात, आपके अंदर जरूरत है। अमित सिन्हा जी आप कहे, सेक्युलर डेमोक्रेट बेचे कोई इस्लामी और आप बोल सकते हैं, आपके अंदर जरूरत है। आप अम्बेडकरवादी कैसे हो सकता है? अंबेडकर ने, अब अंबेडकर के रूप में चर्चा करूं मैं आपसे, अंबेडकर ने माइनॉरिटी के बारे में ऐसा नहीं हो पाएगा कि तीनों आप एक साथ एक एक सर एक एक करके बारे में क्या कहा। मैं सर एक एक करके बोलेंगे, अमिताभ सर आपकी बात आ गई है, तस्लीम रहमानी सर आपकी बात आ गई, और बीएम कामले सर सुनिए, आप अपनी बात रख लीजिए। एक होते हैं, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, ध्यान में रखना। आपने ही कहा था थोड़ी देर पहले कि जब ऐसी समस्या खड़ी होती है तो सारे मुस्लिम धर्म के नाम पर इकट्ठा होते हैं। मैं गैर मुस्लिम हूँ,